राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस खास कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। शनि आने वाली 4 नवंबर 2023 को सर्वशक्तिशाली होने वाले हैं। अपनी ताकतवर स्थिति में वो आ जाएंगे। अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वो मार्गी होने जा रहे हैं आने वाली 4 नवंबर 2023 को, और 30 जून 2024 तक वो मार्गी गति से ही संचरण करेंगे। शनिदेव कर्म फल के दाता हैं। काल पुरुष का जो जन्मांक नेचुरल जोड़ी होता है, जो कि मेष लग्न का होता है, उसमें शनिदेव 10वें और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं। मकर और कुंभ राशि के वो स्वामी है। मतलब आप किसी भी राशि या लग्न के व्यक्ति हो, आप मेहनत कितनी करेंगे और उसका फल कितना पाएंगे, इसका निर्धारण शनिदेव करते हैं। अनुशासन व सीमाओं में रहकर विदिन डिसिप्लिन एंड कन्फाइनमेंट संघर्ष करना, ये शनि सिखाते हैं। ज्योतिष में सबसे बड़े टीचर, लाइफ लेसन देने वाला ग्रह यदि कोई है तो वो शनिदेव है। अनुशासन व सीमाओं में रहकर कर्तव्यों व जिम्मेदारियों को निभाना शनिदेव ही सिखाते हैं। जब तक आप जो चीजें हैं उनकी प्राप्ति के काबिल नहीं हो जाते, किसी भी फल की प्राप्ति के आप काबिल नहीं हो जाते, तब तक शनि संघर्ष कराते हैं। इसलिए शनिदेव रियलिटी ऑफ लाइफ, जीवन की वास्तविकता के कारक हैं। जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभाई जाएं तो शनि जीवन में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विलंब, रुकावटें और आपको आलस्य भी देते हैं। निराशा, भय और एंजाइटी भी शनिदेव ही देते हैं। रोजगार, नौकरी, व्यवसाय के लिए शनि का महत्व सबसे ज्यादा है। इसलिए शनि जब भी वक्री होते हैं या मार्गी होते हैं तो ये एक महत्वपूर्ण घटना होती है ज्योतिष में। वैसे तो ये कोई नई घटना नहीं है, इस 2023 में उनका वक्री होना या मार्गी होना, वो हर वर्ष ही वक्री होते हैं और फिर मार्गी होते हैं। लेकिन शनि की गति में जो ये परिवर्तन होता है, ये सभी की जिंदगी को गहराई से प्रभावित करता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाली 4 नवंबर 2023 को शनिदेव जब मार्गी होंगे तो कर्क राशि वाले लोगों पर, कैंसर पीपल पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। चंद्र राशि, जन्म की राशि पर ये वीडियो आधारित है। आप इसको लग्न की राशि से भी देख सकते हैं। आपकी राशि, लग्न की राशि आपको नहीं पता है तो आप नाम की राशि से भी देख सकते हैं। कर्क वालों के लिए शनिदेव सप्तम और अष्टम इन दो भावों के स्वामी बनते हैं, और 8वें भाव में ही अपनी मूल त्रिकोण राशि में वो 4 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। शनि की अष्टम ढैया भी आपको चल रही है। 7वां भाव जो होता है, ये होता है आपके विवाह का, वैवाहिक जीवन को दिखाता है। आपकी पार्टनरशिप, आपका व्यापार, व्यापारिक साझेदारियां, ये सब 7वें भाव से देखा जाता है। अष्टम भाव को समझे तो ये सडन इवेंट्स का होता है। अचानक जो घटनाएं घटती हैं, अचानक होने वाले उतार चढ़ाव, ट्रांसफॉर्मेशंस, जमीन के नीचे दबी हुई चीजें, गुप्त धन, गुप्त विद्या, अकल्ट तंत्र मंत्र, ज्योतिष, ये सब भी अष्टम भाव से देखा जाता है। इसके अलावा रिसर्च, वसीयत का मामला, इनहेरिटेंस, ज्वाइंट एसेट, जीवन साथी का धन, इनलाज, ससुराल पक्ष भी अष्टम भाव से देखा जाता है। पिछले 140 दिनों से 17 जून 2023 से ही शनि वक्री चल रहे थे आपके अष्टम भाव में। वक्री ग्रह का जो फल है वो सीधा सीधा नहीं होता है। वक्री का मतलब ये है जो टेढ़ा मेढ़ा है, मतलब जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है। ग्रह जब भी वक्री होता है तो वो थोड़ा ठहरता है, पीछे की तरफ जाता हुआ प्रतीत होता है, जैसे वो कुछ चीजों को भूल गया था, कुछ चीजों को वो ठीक करना चाहता था। वक्री ग्रह रेट्रोस्पेक्शन यानी कि पुनरावलोकन की बात करता है। जिन जहां पर उसका प्रभाव है उन चीजों का पुनरावलोकन, वहां पर रिविजिटिंग की डिमांड वक्री ग्रह करता है। शनि जैसा ग्रह विशेषकर जब वक्री होता है तो जो विलंब का तत्व है, डिले का एलिमेंट, वो और ज्यादा बढ़ जाता है। कर्क वालों के लिए भी शनि जब वक्री हुए थे तो वो चाहते थे कि आप अपनी पार्टनरशिप को लेकर, अपनी सराउंडिंग को लेकर, वैवाहिक जीवन को लेकर, करियर, नौकरी, बिजनेस के मामले में, स्वास्थ्य को लेकर, आर्थिक पक्ष को लेकर और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर आप रेट्रोस्पेक्शन करें, पुनरावलोकन करें कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, किसी गलत रास्ते पर तो आप नहीं जा रहे हैं। लाइफ को रिपेयर करने का मौका शनिदेव ने कर्क वालों को दिया था। कर्क वालों के लिए पिछले 140 दिन में रोजगार में अनिश्चितता रही, वर्क पॉलिटिक्स का आप शिकार हुए, करियर में काफी अड़चनों का सामना करना पड़ा, अचानक उतार चढ़ाव हुए, स्वास्थ्य में भी स्वास्थ्य समस्या हुई, पैसा फंसा, आर्थिक पक्ष में आपको परेशानी देखने को मिली, निजी जीवन में भी आपको परेशानी हुई, निजी रिश्तों में मतभेद बढ़े। लेकिन अब 4 नवंबर 2023 से शनिदेव मार्गी गति से संचरण करेंगे और 30 जून 2024 तक वो अपनी सीधी चाल ही चलेंगे। कर्क वालों के लिए शनिदेव अष्टम भाव में मार्गी हो रहे हैं आपकी राशि से, चंद्र राशि से अष्टम भाव में वो गोचर कर रहे हैं, तो शनि की ढैया भी आपको चल रही है। लेकिन यदि आपकी लग्न कुंडली में शनि मजबूत स्थिति में है, पीड़ित नहीं है, या गोचर में अगर शनिदेव मजबूत राशि में होते हैं, जैसे कि यहाँ अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, तो ढैया का प्रभाव भी कम हो जाता है। अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में ही है, ये काफी मजबूत स्थिति बनती है। आयु के लिए अच्छा हो जाएगा। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा जब वो मार्गी होंगे। हड्डियों से संबंधित, त्वचा से संबंधित, साइनस, कफन, कोल्ड, चेस्ट,
इन्फेक्शन जैसी समस्याओं से अगर आप जूझ रहे थे तो उनमें राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। अज्ञात भय, अननोन फियर अगर रहता था तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। अगर आपकी कुंडली में इसके विपरीत शनि अगर नीच राशि में है, पीड़ित अवस्था में है, तो वो खराब फल भी दे सकते हैं। एंजाइटी और अज्ञात भय को वो बढ़ा सकते हैं। गुप्त शत्रुओं की परेशानी भी आपको हो सकती है। पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने का योग बनेगा। शनिदेव के मार्गी होने के बाद अचानक धन लाभ प्रॉपर्टी मिलने की संभावना बढ़ेगी। ससुराल पक्ष से भी आपको आर्थिक लाभ मिलेगा, उनसे संबंध आपके सुधरेंगे। सातवें भाव के स्वामी होकर भी शनिदेव अष्टम भाव में है तो व्यापारिक साझेदारियों से आपको लाभ होगा। जीवन साथी के धन यानी कि ज्वाइंट एसेट में वृद्धि होगी। जीवन साथी के करियर में भी कुछ अच्छा हो सकता है। अष्टम भाव अचानक उतार चढ़ाव का होता है, लेकिन जब आठवें भाव के स्वामी आठवें भाव में ही हो तो अचानक होने वाली घटनाओं से आप घबराएंगे नहीं। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होंगी, जो भी बदलाव आएंगे जीवन में, वो पॉजिटिव बदलाव आएंगे, इसकी संभावना ज्यादा है। तो जो भी चेंजेस करें आप लाइफ में, उनको बहुत सोच समझ कर करें। जो कर्क वाले लोग अष्टम भाव के कारकत्व के व्यवसाय में हैं, आप रिसर्च करते हैं, इंजीनियरिंग है, इंजीनियर हैं या साइंटिस्ट हैं, टेक्निकल वर्क करते हैं, गुप्तचर विभाग में काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, माइनिंग, कोयला, पेट्रोल, गैस, अकल्ट, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, मिस्टिसिज्म, इन व्यवसायों से यदि जुड़े हुए हैं तो उनके लिए विशेष लाभ की परिस्थितियां बनेंगी। उच्च शिक्षा पीजी पीएचडी कर रहे छात्रों को भी इससे लाभ होगा। शनिदेव की जो दसवीं दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर रहेगी, जो आपको इनोवेटिव बनाएगी। वृश्चिक राशि है आपके पंचम भाव में, जिसमें उतार चढ़ाव के गुण होते हैं, लेकिन शनिदेव स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी के कारक हैं। तो आपके निजी रिश्तों में, रिलेशनशिप्स में भी चल रही गलतफहमियों को ये दूर करेंगे, उनमें आपको लाभ दिखाई देगा। इसके अलावा जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, निवेश कार्य हैं, उनके अंदर भी लाभ मिलना आपको शुरू हो जाएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो हैं उन पर आपको ध्यान देना चाहिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स या गेमलिंग के लिए शनिदेव सपोर्ट नहीं करेंगे। शनिदेव की तीसरी दृष्टि दशम भाव पर और सातवीं दृष्टि दूसरे भाव पर रहेगी, तो आपका जो वर्क प्लेस है वहाँ पर आपको रिलीफ मिलेगा। करियर, नौकरी, व्यवसाय में आप बेहतर परिवर्तन या विस्तार कर पाएंगे। अचानक लाभ की संभावनाओं को भी शनिदेव दिखाते हैं। पार्टनरशिप से, आपकी क्रिएटिविटी से लाभ की स्थितियाँ बनेंगी। आपका जो फंसा पैसा है वो निकलना शुरू हो जाएगा। विशेषकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसे फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह हैं, उनसे आपको धन की बचत जो है वो बढ़ेगी। आपका जो हायर लर्निंग का प्रोस्पेक्टिव है वो भी शनिदेव अच्छा करेंगे। देखिए, शनिदेव कुंभ राशि में मार्गी हो रहे हैं। कुंभ राशि को अगर हम समझे तो ये सोशल नेटवर्किंग को, समाज सोसाइटी से लाभ लेना, सोसाइटी की तरक्की, वैज्ञानिक सोच जिससे पूरे समाज का भला हो, इन चीजों को रिप्रेजेंट करती है कुंभ राशि का शनि। कैरियर से संबंधित जो फाइनेंस मैनेजमेंट की क्वालिटीज हैं और इसके साथ ही साइंटिफिक टेम्परामेंट जैसी जो अच्छी क्वालिटीज हैं ये आपको दे सकते हैं। इसलिए टेक्निकल इंजीनियरिंग, रिसर्च, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्पिरिचुअलिटी, मैन्युफैक्चरिंग, बिग कॉरपोरेट्स में नौकरी करना, फाइनेंस के क्षेत्र, इन सब के लिए, इन जो व्यवसायों से जुड़े हुए हैं उनके लिए लाभ की स्थितियों को बनाएंगे। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि कुंभ राशि का शनि लाभ को बांटना भी सिखाता है। लाभ को सिर्फ आप अपनी तरक्की के लिए ही इस्तेमाल ना करें। आसपास की सोसाइटी, आपके सबोर्डिनेट्स, आपके कुलीग्स, आपके नजदीकी रिश्तेदार, उनकी भी ग्रोथ हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्या उपाय कर्क वालों को करना चाहिए जिससे शनिदेव का और भी बेहतर फल आपको ढैया में भी मिल सके? भगवान शिव की आप उपासना करें। शनि स्वयं शिव भक्त हैं और इसके साथ ही शनिवार की शाम को संध्या के बाद आप छाया दान करें। एक कटोरी में, स्टील की कटोरी में आप सरसों का तेल डाल लें और एक उसमें 1 रुपए का सिक्का डाल लें और उसमें अपना चेहरा देख कर उसे आप दान कर दें, या पीपल के पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं। राम राम।